लोगों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर रोड शो कर रहे हैं और ये रोड शो की तस्वीरें हैं। अब ये जो गुजरात का कनेक्ट है उनका आलोक जी, बीते दिन भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन वो एक बार फिर से सड़कों पर है और लोग उनको देखने के लिए निकले हुए हैं। अंजना जी, लोग देखे देश के प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, लेकिन मैं आज तक के माध्यम से एक यहाँ पर वादा करके जा रहा हूँ, आज के पूरे रोड शो में कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी। वादा करके जा रहा हूँ, अगर आ जाए तो आप बता देना मुझे, आज नहीं आएगी। वो कह रहे आज रोड शो में कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी, तो कल जो आई थी उस पर सवाल बीते दिन से, आज नहीं आएगी। एम्बुलेंस वालों को बोल दिया, कल आएगी। तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, मैं बताऊं, आज एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी वो पता नहीं, लेकिन 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक विश्व विक्रम होने जा रहा है यहाँ। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा विश्व विक्रम हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस की 33 सीट आई थी और एक लग्जरी बस में वो विधानसभा जा रहे थे और आ रहे थे। 8 तारीख को जो कांग्रेस की सीट आएगी वो 4 लोग बैठ के एम्बुलेंस में जाएंगे और एम्बुलेंस में वापस आएंगे, ऐसा तरीका होने वाला है। तो ये मेरा जवाब है, आप कुछ भी हमारा टीका कर लो, लेकिन जनता जो आशीर्वाद हमें दे रहा है वो आगे वो विश्व विक्रम बनने वाला है। आलोक जी, एम्बुलेंस पर मजाक तो अपनी जगह पर है, अब वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता 8 दिसंबर के बाद एम्बुलेंस में जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि 3 बार एम्बुलेंस आई और वो पीएम महोदय की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा लैप्स है। सोलन में आई, उसके बाद गांधीनगर आई और कल फिर आई। क्या एसपीजी इस चीज के लिए बनी थी कि वो एम्बुलेंस आएगी और उसको रास्ता दिखाएगी? लोकल पुलिस कहां थी? सीआरपीएफ जो सेकंड घेरा था वो कहां था? देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सवाल उठाते हैं। लेकिन अब बात मुख्य रूप पर ये आती है कि मोदी साहब और भाजपा पूरी तरह से बौखला गए। रोज ये अगर रोड शो में बौखलाहट कहां दिखाई दे रही है, तो जनता दिखाई दे रही है। अंजना जी, जिसको आप अहमदाबाद को अपना गढ़ मानते हो, अरे स्क्रीन तो देखिए आलोक जी, आंख बंद कर लेने से थोड़ा ना दिखेगा। नहीं, मैं फिर कहूंगा, रोड शो है, कई किलोमीटर तक लोगों का हुजूम वेट कर रहा है, उनको देख रहा है। अंजना जी, रोड शो जब इलेक्शन का प्रचार होता है तो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पैसा लगाकर जो माध्यम होता है। अरे भाई, रेड शो अंजना जी, इसीलिए कल रोड शो हो रहा था, जैसे तय नहीं था। लेकिन नगर देवी का दर्शन करना हमारे मोदी जी ने बाकी रखा था, तो नगर देवी का दर्शन करने के लिए आज निकले हैं फिर से, और कल ही तय हुआ और आज निकले हैं। तो रोड शो का जवाब आप अलग तरह दे रहे हो, लेकिन प्रजा को जो समर्थन मिल रहा है, दूसरा विश्व विक्रम हम करने जा रहे हैं कि आजकल अगर गुजरात के अलावा दूसरी कोई जगह कोई सरकार बनी हो, एक शासन हो रहा हो कोई पार्टी का, वो ज्यादा से ज्यादा 25 साल या 6 साल 6 बार चुनाव जीतते आए है, ऐसी कोई सरकार बनी है। लेकिन ये बार गुजरात के अंदर 7वीं बार भाजपा की सरकार और 27 साल से ज्यादा कोई सरकार बनी हो, सबसे ज्यादा भाजपा की गुजरात सरकार बनाने वाले जा रही है, दूसरा एक बार फिर रोड शो है और तस्वीरें देखकर ही आलोक जी कमेंट कीजिएगा। तस्वीरें देखकर ही प्रजा है जो देख मैं रही बिल्कुल तस्वीरें देखकर उत्तर हाँ। दे रहा हूँ। मैं गुजरात की जनता को बधाई, अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि इस रोड शो के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम 15 रुपए कम हो जाएंगे। अग्रिम बधाई दे रहा हूँ मैं गुजरात की जनता को। सरकार का पैसा, जनता का पैसा रोड शो पर आप लगा रहे हैं, जनता के पूरे आप उनको मुद्दों को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी साहब ने 8-10 मुद्दे, महंगाई का मैं नहीं बोला, वहां पर जाकर कलकत्ता के अंदर कहते हैं दीदी, ओ दीदी, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड, और ये जो मोरबी में हुआ ये क्या था भाई, उसके ऊपर एक मां शब्द नहीं बोला मोदी साहब ने, संवेदना तक व्यक्त नहीं की उनके बच्चों के लिए। लट्ठा कांड हो, चाहे वो तक्षशिला कांड हो, 24 बच्चे वहां पर सूरत में आग में झुलस गए, मोदी साहब ने क्या किया उनके परिवार के लिए? अभी तक भी आप मुझे बताइए, क्या राज्य सरकार ने जो मोरबी में बच्चे और तमाम लोग मरे थे उनको मुआवजा दे दिया है, हाँ या ना? जवाब दीजिए डॉक्टर। एक महीना हो गया, राज्य सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया। कांग्रेस के मित्र सरकार दीदी कर रहे हैं, दीदी कर रहे हैं, वहाँ जाके तो गाली देते हैं मोरबी वालों को, ये बताइए भाई बन के निकल गए, इस पर उत्तर नहीं दे। आपका दीदी भाई बन गया, अरे भाई देखो करोड़ों रुपया यहाँ खर्च करेंगे रोड शो पर, मोरबी के मृतकों को आप लोगों ने 27 साल पहले गुजरात को कहाँ छोड़ा था? वहाँ पानी नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ बिजली नहीं था। अरे
पीएम का रोड शो, सफल रोड शो लगातार दूसरे दिन आपका जवाब। देखिए, अगर 27 साल सत्ता में रहकर काम किया होता तो आज इतने सारे रोड शो, इतनी सारी रैली, इतनी सारी तकरीरें करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा के पूरा कैबिनेट, सारे मंत्री उमड़ आए। क्यों? क्योंकि भाजपा को पता है उनके पैरों तले जमीन खसक रही है। 27 साल काम नहीं किया, रोड शो करने से मेरा सवाल डायरेक्ट है, क्या पेट्रोल डीजल का इसका भाव कम हो जाएगा? पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है तो किसकी सरकार बन रही है? आप तो 13 सीट पर लड़के सरकार बना रहे, किसकी बन रही है? तो एक बीच कांग्रेस की बन रही है, ये है ना, यहाँ पे इनको जिताने के लिए सत्ता में तो वही जाएगी कांग्रेस की सरकार। अभी आप बोले सरकार नहीं बन रही है ना, अभी आप बोले जमीन खिसक रही है, इसीलिए करना पड़ रहा है कि कांग्रेस कौन बन रही है। बीटी बेटी से आगे नहीं चले जाए, ये नूरा कुश्ती है का सीटिंग वाला, और आगे नहीं चले जाए। इनके फिक्स्ड मैच है, टोटल फिक्स मैच है। अरे बाहर से वहां से पूरा लिख के आता है, इनको इनको टिकट तो पूछ लो, ये कांग्रेस वाले यहाँ खड़े हुए हैं। इनका एक आदमी चला जाता है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। हमारे आदमी को खरीद लिया, नॉमिनेशन भरने के बाद खरीद लिया, खुश है।